Hello students, welcome back to my channel Commerce Cute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about the methods of recording accounting information, 11th Commerce Bookkeeping and Accountancy chapter number 2. Yes, and we will today understand ki kaun se wo methods hai jo accounting information record karne mein use hote hai, traditional method kaun se hai and all that thing. Before we go ahead, students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to you. Students, as you can see on the screen, कि यहाँ जो methods दिए गए हैं या आपको अगर record करना है accounting information, there are two methods basically you can see. एक है हमारा Indian system, दूसरा है English system. ठीक है. Obviously English Indian system क्या है वो हम discuss करेंगे, लेकिन I'll just tell you under English system we have again two classifications. एक है हमारा single entry system and दूसरा है double entry system which is applicable right now, that is double entry system. ठीक है, बाकी चीजें क्या है कैसी है चलिए शुरू करते हैं, we'll understand them in detail. तो जैसे कि हमने method तो देख ही लिया है, so we will understand the Indian system. स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो है. आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सिस्टम में पहले अगर हमको रिकॉर्ड करना होता है कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो पहले के जमाने में ट्रेडिशनली क्या हुआ करता था, कैसे करते थे, बिकॉज दिस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो इंडियन सिस्टम फॉल्स अंडर दैट कैटेगरी. इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड्स इन इंडियन लैंग्वेजेस. ठीक है, तो यहाँ पर कौन से लैंग्वेजेस यूज होते हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, और इनको हम महाजनी देशी नामा सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन इन लॉन्ग बुक्स, मतलब एक बहुत बड़ा रजिस्टर यूज करते थे जहां पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे, हम उनको बही खाता एंड कर्ड भी बोलते थे. ओके, सो दिस इज हाउ इट यूज टू गो. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो डेफिनेट है इंडियन सिस्टम है, बही खाता एंड क्रेडिट वाला वो लोग फॉलो करते हैं, तो ये तो डेफिनेटली डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड तो नहीं होगा. और ये साइंटिफिक अकाउंटिंग सिस्टम भी नहीं है, बिकॉज इट यूज टू बी डन यू नो मैन्युअली एंटरिंग इन टू इट एंड ऑल. इवन टूडे दिस सिस्टम इज यूज इन इंडिया फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सही तो है कि अगर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, इट्स अ वेरी स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन डेफिनेटली पीपल स्टिल यूज दिस इंडियन सिस्टम, जहां पर वो पूरा लिखते हैं लॉन्ग नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में लिखते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि बही खाता भी बोलते हैं. सो दिस इज अ इंडियन सिस्टम विच इज स्टिल फॉलोड इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल. ठीक है, लेट्स क्विकली शिफ्ट आर सेल्फ इन टू इंग्लिश सिस्टम. अभी इंग्लिश सिस्टम में आते हैं दो तरीके के, एक है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड वॉट इज सिंगल एंट्री सिस्टम. स्टूडेंट्स, दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, ओनली कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स के ही रिकॉर्ड होते हैं. अगेन इट इज अनसाइंटिफिक मेथड, एक्यूरेसी नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इससे हम कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इट्स अनसाइंटिफिक, मतलब हम समझ सकते हैं कि वी कैनॉट रिलाई ऑन द डेटा. इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है बिकॉज इट चेंजेस विद द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. ऑब्वियसली वो चेंज होते रहता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, बिजनेस जो भी वो कंडक्ट करते हैं तो रिकॉर्डिंग में भी चेंजेस होते हैं. ठीक है, सो दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. इसीलिए मैंने बोला इट इज अनसाइंटिफिक, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट द क्लियर आइडिया अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस ऑल्सो. मतलब आपको करेक्ट नॉलेज अबाउट द कंपनी, उनका जो फाइनेंशियल पोजिशन है या डेटा है, फैक्ट्स है, वो सही से नहीं मिल पाते, एंड इट इज रियली नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस. सो सिंगल एंट्री इज लाइक इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते.
तो ये इंग्लिश सिस्टम में पहला वाला है, लेकिन दूसरा वाला जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम फॉलो करते हैं, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम. ओके, इनिशियली लास्ट वीडियो में मैंने आपको मीनिंग बताया था डबल एंट्री सिस्टम का, अभी भी मैं डिस्कस करूंगी फॉर श्योर. डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. डेफिनेटली मोस्ट साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि डेटा एक्यूरेट है. ओके, यू कैन रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो है दे टेक इन टू कंसिडरेशन डबल और टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. ओके, तो यहां पर टू इफेक्ट्स हैं. डबल एंट्री वाला मेथड फॉलो किया जाता है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है, दो अकाउंट्स होते हैं या टू इफेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के. वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट. तो आप ये भी बोल सकते हो एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड्स इंडियन सिस्टम में. ओके, मतलब आई मीन टू सी कैसे अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं, मेथड्स होता है. सो दिस इज वॉट हाउ इट इज यू नो टेकन इन टू कंसिडरेशन स्टूडेंट्स. आई होप यू गॉट अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट कि इंडियन सिस्टम में कैसे होता है और इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री में कौन कौन सी चीजें आती है और डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है और क्यों हम उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, सो दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी गो अहेड विथ द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट. सो प्लीज रिवाइज इट, अंडरस्टैंड इट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जस्ट स्टार्ट विथ द डिफरेंट अकाउंट्स एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, आई होप यू विल फाइंड द वीडियो यूजफुल चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू.